दोस्तों इंक्यूबेटर का काम हमने शुरू कर दिया है। कारपेंटर साहब जो इस वक्त हमारे पास मौजूद हैं, इन्हें हमने बुलाया है बाहर से। असल में बहुत बिजी होते हैं, बंगलों का काम इनके पास होता है, बाहर के सारे काम ये डील कर रहे होते हैं, तो बड़ी मुश्किल से इन्होंने टाइम दिया, क्योंकि हमारे पास तमाम इक्विपमेंट जो भी हमने अपने मंगाए हैं वो सारे बाहर से आए, तो इसलिए हम किसी आम मिस्त्री से ये काम करवा नहीं सकते थे। तो हमने स्पेशली भाई को बुलाया और आज हम अपना इंक्यूबेटर डिज़ाइन कर रहे हैं। ये वो शीटें जो मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इन्हें इस्तेमाल करें। डिज़ाइन सारा हमने नेट से निकाल लिया है और उसी डिज़ाइन को फॉलो करते हुए जो है हम अपना इंक्यूबेटर डिज़ाइन करेंगे। इंक्यूबेटर के अंदर दोस्तों हम जो है दो पोर्शन इस वक्त बनाने जा रहे हैं। एक पोर्शन हम इंक्यूबेटर के अंदर इंक्यूबेशन का बनाएंगे और एक पोर्शन जो है हम हैचर का बनाएंगे। मतलब एक ही इंक्यूबेटर हमारा होगा, लेकिन उसके अंदर हम दो पोर्शन कर देंगे, जिसमें ऊपर वाले पोर्शन के अंदर हम अपने अंडे 18 दिन के लिए रखेंगे, जिसमें इंक्यूबेशन होगी, और 18 दिन के बाद नीचे अलग से एक पोर्शन बनाएंगे जिसके अंदर जो है हम अपने अंडों को वो रखेंगे जो 18 दिन पूरे कर जाएंगे और अंडे जो हैं वो हैच होने के लिए नीचे आ जाएंगे। दोस्तों दोनों में ह्यूमिडिटी अलग अलग हमें रखनी है, इसलिए इक्विपमेंट्स दोनों के अलग अलग होंगे, उन सब की सेटिंग करनी है। तो वीडियो को आपने आज आखिर तक ज़रूर देखना है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर कंप्लीट इंक्यूबेटर की डिज़ाइन जो है मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो माइंड में मेरे चल रहा है इस वक्त। इस डिज़ाइन का मैंने इंक्यूबेटर बनाना है, जिसके अंदर जो है तमाम इक्विपमेंट्स जो है प्री इंस्टॉल होंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना होगी। आप देखिएगा, इस इंक्यूबेटर का सबसे बड़ा बेनिफिट हमें ये होगा कि हमारे अंडे अब प्रॉपर हैच होंगे। ह्यूमिडिटी ऊपर वाले पोर्शन के अंदर जो है वो 60-65% होगी शुरू के 18 दिन में, और 18 दिन के बाद जैसे ही हम अंडों को नीचे करेंगे उसके अंदर ऑटोमेटिक ह्यूमिडिटी जो है हम सेट रखेंगे जो 80-85% होगी, जो अंडों को हैच करने में मदद करेगी। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। जो नाज़रीन मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए, उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल शहर में गाँव को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। समझो इसकी चौड़ाई जो है वो इसके अंदर से निकल आएगी। एक ही आ गया। उसमें से वो जो पीछे वाला है, ये ऊपर नीचे क्या होगा? ठीक है, एक सेंटर का इसमें से आ जाएगा, सेंटर का इसके अंदर से हमें मिल जाएगा। वो तो जो बीच वाला जो ऊपर वाला फैन है वो सेलेक्ट कर रहा है, वो उसमें से हाफ पीस लगा देंगे, इसमें से हाफ पीस इसके अंदर से लग जाएगा, और इस पूरे के अंदर जो एल्यूमिनियम की चादर लगा देंगे ताकि ह्यूमिडिटी जो है। बाकी दरवाजे का और बैक साइड का पीस खुटेगा और ये साइड वाले पीस कम पड़ेंगे। साइड वाले पीस कम हो तो इसके अंदर से वो हो जाता है जुगाड़ वगैरह, वो अलग से हमें देखना होगा। चलो उसे देख लेते हैं, इसकी सेटिंग करते हैं। मतलब कैसे होगा, ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये वाला हमारा हो गया बिजली वाला पोर्शन जो हो गया, जिसके अंदर जो हम तमाम कनेक्शन वगैरह करेंगे ये फटा फिक्स हो जाएगा, ये यहाँ से बंद हो जाएगा पूरा, इतना शेल्फ लग जाएगा, ये इतना आधा, ये आधे में हम कर देंगे, जिसके अंदर हमारा फैन वगैरह और ह्यूमिडिफायर वगैरह नमी वगैरह के हिसाब से जो आ जाएगा। एक ट्रे हमारी रोलिंग यहाँ पर आ जाएगी, दूसरी रोलिंग ट्रे जो है हमारी इतने गैप के बाद यहाँ पर आ जाएगी, ये बीच में जो है फटा लग के ये बंद हो जाएगा, ये हमारा जो है वाला पोर्शन हो जाएगा, ये नीचे वाला जो है ये दराज वाला पोर्शन है जहाँ अंडे हैचिंग के लिए हम रखेंगे, यहीं पर ही जो है वो सारा सिस्टम वगैरह, मतलब ये आधी ट्रे आ जाएगी इसके अंदर, जिसके अंदर पंखा लगा हुआ होगा, बल्ब वगैरह की सेटिंग आ जाएगी और ह्यूमिडिफायर रखा होगा, सिस्टम होगा यही सिस्टम हमारा, नीचे चला जाएगा 1-2-3 ऑप्शन नीचे आएंगे हमारे पास, समझो 3 ऑप्शन नीचे आ जाएंगे और यहाँ आके बंद हो जाएगा। इसका दरवाजा अलग हो गया, इसका दरवाजा अलग हो गया और एयर लॉक हो जाएगा ये सारा, जबरदस्त। बस अब इसे जो है अब हकीकत में चेंज करते हैं। दोस्तों इंक्यूबेटर जो हम खुद बना रहे हैं उसका काम शुरू हो चुका है, शीट वगैरह की कटाई शुरू हो गई है सर।